औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम है आप सबका मेरे YouTube के चैनल स्टेनोग्राफी वर्ल्ड में। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ अल्लाह पाक का, उसके बाद अपने टीचर सर मोहम्मद नवाज़ का और उनके बेटे सर मुबशिर नवाज़ का। सर मोहम्मद नवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो इन्हें शॉर्ट हैंड का गुरु कहते हैं, तो पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह फेमस हैं सर शॉर्ट हैंड के हवाले से। और सर के जो शागिर्द थे, सर के जो स्टूडेंट हैं जितने भी, उन्होंने हालांकि अपनी एकेडमियां खोली हैं जो सर से बढ़ के गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सर पूरे पंजाब में फेमस है शॉर्ट हैंड के हवाले से। और सर हैं, स्टूडेंट थे सर मुल्तानी साहब के, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उन्हें भी शॉर्ट हैंड का गुरु कहा जाता था अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी शॉर्ट हैंड के एक्सपर्ट थे। तो उस दौर में उन्होंने शॉर्ट हैंड भी रिसर्च की, पढ़े खुद अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, अपनी एकेडमी खोली उन्होंने। तो उस टाइम उन्होंने ये आइज़ैक पिटमैन की बुक पढ़ के, उन्होंने कुछ रूल्स में मिसिंग थी, उन्होंने कहा कुछ एडिशन हो जाए तो शॉर्ट हैंड और भी आसान की जा सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह इतने थे शॉर्ट हैंड, काफ़ी लोग कहते हैं कि पढ़ना मुश्किल है, मुल्तानी साहब खुद पढ़े भी सही, उनके अपने कुछ रूल्स बनाए के थे, चेंजिंग भी बनाई कुछ, लेकिन वो भेजा था उन लोगों ने इंग्लैंड, तो लेकिन वो बाद में अप्रूव लेटर उन्होंने भेजा कि अगर हम लोग शॉर्ट हैंड में ये वाली चेंजिंग ले आएँ तो शॉर्ट हैंड और भी ईजी हो सकती है, लेकिन उनका वो अप्रूव नहीं हुआ था लेटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तानी साहब के हमारे गुरु सर मोहम्मद नवाज़ चाहिए थे, शागिर्द थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मुल्तानी साहब खुद कहते थे कि अगर मेरे बाद कोई अगर गुरु बना शॉर्ट हैंड का, इतना काबिल बना, तो सर नवाज़ के बारे में कहते थे कि यही बनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसा ही, आज हम उन्हें शॉर्ट हैंड का गुरु कहते हैं और आल पंजाब में फेमस हैं हमारे टीचर शॉर्ट हैंड के हवाले से। तो आज का मेरा टॉपिक है इसके हवाले से कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्ट हैंड करके फिर छोड़ देते हैं शॉर्ट हैंड, फिर प्रैक्टिस के साथ अनटच होते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड नाम है प्रैक्टिस का, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो शॉर्ट हैंड सीख जाओगे। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि शॉर्ट हैंड बहुत डिफ़िकल्ट है, हम नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस मुश्किल है। जो बंदा आदी हो जाए प्रैक्टिस करने का, वो शॉर्ट हैंड आराम से सीख जाएगा। तो काफ़ी ऐसे सीनियर्स हैं जो शॉर्ट हैंड करके छोड़ देते हैं, बाद में डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमने इतनी स्ट्रगल की, हमें समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे समझ नहीं आएगा, अगर आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, रूल्स जितने भी हैं उन्हें बार बार पढ़ोगे, रिवाइज़ करोगे, तभी शॉर्ट हैंड समझ में। पहला मेन काम है शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिस, अगर आपने प्रैक्टिस सही तरीके से की, आपने शॉर्ट हैंड सीख। तो जितने सीनियर्स हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अगर अभी आप लोगों ने शॉर्ट हैंड छोड़ दी है, काफ़ी ऐसी स्पेशल आउटलाइंस हैं, डॉन के आर्टिकल्स हैं, डेली लोग लिखते हैं, तो हमारे गुरु की जो टीचर हैं मुल्तानी साहब, उनकी एक बुक है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बैंक में जितने भी पैसेजेस यूज़ होते हैं और PLD की हर डिपार्टमेंट की उन्होंने स्पेशल आउटलाइंस बनाई हैं, और काफ़ी पैराग्राफ्स भी हैं उनके, इंशाल्लाह वन बाय वन में मुल्तानी साहब की जितने भी पैराग्राफ हैं वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। तो स्पेशल आउटलाइंस वगैरह जो भी हैं वो भी मैं पेरे के साथ एडजस्ट करूँगा। तो जितने भी सीनियर्स हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि आप मेरा चैनल विज़िट करें और आप प्रैक्टिस को ना छोड़ें, क्योंकि शॉर्ट हैंड ऐसी गेम है, जब हम लोग 5-6 महीने की ड्यूरेशन में शॉर्ट हैंड करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर ये एक ऐसी फील्ड है, अगर आप इसे 10 दिन के लिए छोड़ दोगे आपके स्ट्रोक ही हिल जाएंगे। तो इसके साथ टच रहें इंशाल्लाह, बाकी जितने भी जो जूनियर हैं, जिन्होंने मेरा विज़िट किया हुआ है चैनल, तो उनके लिए भी मैं इंशाल्लाह थ्योरी से लेके स्पीड तक सारी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। कल मैंने एक पहला लेक्चर अपलोड किया था कंसोनेंट्स का, फर्स्ट लेक्चर था शॉर्ट हैंड का बेसिक। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सीक्वेंस के साथ मैं सारे अपने लेक्चर अपलोड करूँगा, थ्योरी से लेके स्पीड तक। और जितने सीनियर हैं, मैं उन्हें भी कहता हूँ कि आप भी मेरा चैनल विज़िट करें, इंशाल्लाह
में सारी स्पेशल आउटलाइंस और जितने भी पैसेजेस डान के आर्टिकल्स न्यू जितने भी पैसेजेस आजकल यूज़ हो रहे हैं, जैसे पंजाब पुलिस में जितने भी हो रहे हैं पैसेजेस लिखवाए जा रहे हैं और जितनी सिविल कोर्ट में जितनी जजमेंट्स की हैं जो पास्ट में लिखाई हुई पास्ट पेपर की जितनी भी पैसेजेस हैं वो भी इंशाल्लाह उनकी भी रिकॉर्डिंग्स में अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पर लगाऊँगा। तो जैसे शॉर्ट हैंड में सीनियर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप शॉर्ट हैंड मतलब आप कहीं पे मसरूफ़ हो रहे हैं, शॉर्ट हैंड छोड़ रहे हैं कुछ अरसे के लिए, मतलब आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो बेशक आप ना करें लेकिन ग्रामोलॉग्स और कॉन्ट्रैक्शंस की रिकॉर्डिंग बना के अपने मोबाइल में रख लें, क्योंकि शॉर्ट हैंड में मेन चीज़ ही यही है, जैसे इज़ है, द है, एन है, यही शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स सारे पैसेजेस में यूज़ होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप कॉन्ट्रैक्शंस और ग्रामोलॉग्स इन दोनों पे ग्रिप रखेंगे, इन्हें अपने प्रैक्टिस के साथ रखते चलेंगे, इंशाल्लाह कभी आपकी शॉर्ट हैंड लूज नहीं होगी, तो आपकी 80% शॉर्ट हैंड इसी में ही कवर होती है, कॉन्ट्रैक्शन और ग्रामोलॉग्स में। इंशाल्लाह मैं कॉन्ट्रैक्शंस और ग्रामोलॉग्स इन दोनों की रिकॉर्डिंग्स बना के भी अपने यूट्यूब चैनल पर सेंड करूँगा, तो आप इंशाल्लाह वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।